एक ऑलरेडी पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेरे को यहाँ से पास आउट किए 1969 की एडमिशन है मेरी यहाँ पे से 1970 की, तो 50 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस इंस्टीट्यूट से। तो मैंने जो है केवल ना इस इंस्टीट्यूट को कंट्रीब्यूट किया है अल्यूमिनाई की तरफ से, बाकी अपने इंडस्ट्रियल जो यहाँ से पास आउट करने के बाद मैंने डायरेक्ट ही एक फैक्ट्री बनाई, उसमें आज मेरे पास कम से कम 5,000 एम्प्लॉइज़ हैं बेसिकली, तो इसलिए इन्होंने रिकग्नाइज किया है मेरे को। राज्यपाल जी ने एक अपने संबोधन में एक वर्ड बताया था कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि नौकरी मांगने ना जाए, हमें हम नौकरी दें। इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए 70% लोग अपना बिजनेस करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको किसी के आगे जाके कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को नौकरी दो, आप में इतनी काबिलियत होती है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आत्मनिर्भर भारत की निर्माण होने जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारे इस इंस्टीट्यूट का बहुत ही सहयोग है आत्मनिर्भरता की तरफ, इतना कॉन्फिडेंस यहाँ के लोगों को। और दूसरा जो हमारा एल्यूमिनाई बेस है, जो इसमें संबोधन में हमारे दिनेश जी ने भी कहा, डॉक्टर वाइस चांसलर साहब ने, कि 11,000 का बेस है, वो बेस ही अपने आप में लोगों को आकर्षित करता है, खींचता है कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम सहायता कराएंगे, आप अपना बिजनेस करो, हम आपको बढ़ाएंगे। नए युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो अगर डिग्री ले लेते हैं फिर नौकरी लेने जाते हैं, नौकरी सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, जो नौकरियां सोचते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब आप इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाते हैं तो अपना जो माइंड सेट है ऐसा बनाएं कि हमें अपना ही काम करना है, उसी तरह से मेहनत करें, उसी तरह से यहाँ सीखें, ना कि अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएं कि मैं हर समय नौकरी की तरफ भागूं। आप एक तरफ से जैसे प्रोफेसर के अग्रवाल ने भी कहा, मेरे को हमेशा ये कहना है कैन डू, मतलब अपने अंदर जो है इतना हमेशा अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करो कि मेरे को अपने विनिंग कैंडिडेट बनना है। अगर आप वो अपने मन को ऐसे समझाते रहेंगे तो आप विनर ही बनेंगे।